गुरुवार से जनपद सहित 18 भागों के कर्मचारियों ने कामकाज बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए। जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक हड़ताल पर डटे रहेंगे, चाहे जो मजबूरी हो। हमारी मांगे पूरी हो, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद हमारी मांगे पूरी करो, जैसे नारे लगाते हुए सभी कर्मचारी कार्यालय बंद कलम बंद हड़ताल पर बैठ गए हैं। सागर सिंह ठाकुर, सहायक लेखा अधिकारी जनपद पंचायत ठीकरी, ने बताया कि पूर्व में दिए गए ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया था कि संयुक्त मोर्चा पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के बैनर तले 18 विभागों का एक संयुक्त मोर्चा बना है। वेतन विसंगतियां, अवकाश विसंगतियां, संवर्गीय विसंगतियां सहित कई ऐसी विसंगतियां हैं जिसे बार बार शासन प्रशासन से अवगत कराने के बाद भी विसंगतियां दूर नहीं हो रही थी। हम आश्वासन लेकर थक चुके थे, शासन के कानों तक जून नहीं रेंग रही है। 12 जुलाई को दिए गए ज्ञापन में कहा था कि 7 दिनों के अंदर हमें चर्चा के लिए बुलाएं, अन्यथा हम अनिश्चितकालीन धरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। 2 दिनों पूर्व 2 दिनों का अवकाश का ज्ञापन देकर सरकार को जगाने की कोशिश की गई थी, जिसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं होने पर हम गुरुवार से कार्यालय बंद कलम बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। हमारी ऐसी मांगे हैं जिससे सरकार पर वित्तीय भार नहीं पड़ेगा, जिसके बावजूद सरकार हमारी मांगे नहीं मान रही है। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए बड़वानी से जिला ब्यूरो। ये पूरा मामला ऐसा है कि दिनांक 12 जुलाई को हमने शासन को ज्ञापन दे के अवगत कराया था। संयुक्त मोर्चा पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के बैनर तले 18 संगठनों का संयुक्त मोर्चा बना है। उन संयुक्त मोर्चों की विभिन्न मांगे हैं, नियमितीकरण, वेतन विसंगतियाँ दूर करना, अवकाश विसंगतियाँ दूर करना, कोई जो पदीय संवर्ग हैं जिनको संवर्गीय विसंगतियाँ हैं, कई हमारे ऐसे साथी हैं जिनकी सालों से वेतन विसंगतियाँ दूर नहीं हो रही हैं और लगातार शासन को बोल बोल के परेशान हो चुके हैं, आश्वासन ले ले के परेशान हो चुके हैं, पर शासन के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। इसलिए हमने 12 जुलाई को शासन को कहा था कि 7 दिन के अंदर हमें चर्चा के लिए बुलाएं, अन्यथा हम अनिश्चितकालीन धरने प्रदर्शन के लिए, हड़ताल के लिए मजबूर हो जाएंगे। सरकार को आपने 2 दिन का अवकाश भी लिया, कहीं आपने मंत्री महोदय से भी आपके संगठन ने बात की संयुक्त मोर्चे के जी, लेकिन किसी प्रकार भी प्रशासन या शासन किसी भी व्यक्ति को अभी आप लोगों को कोई पीड़ा नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल, अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे आपका क्या स्टेटस है? बिल्कुल, आज से हम लोग कार्यालय बंद कलम बंद हड़ताल पे चले गए हैं।